तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं हूँ केटीएम के शोरूम में और यहाँ पे है ब्रांड न्यू ड्यूक 390 और इसमें बहुत सारा फीचर को जो है अपग्रेड किया गया है। और आज हम लोग बात करने वाले कि इस बाइक में कौन कौन सा फीचर को ऐड किया गया, उसके बाद में इस बाइक का कौन कौन सा पार्ट जो है मतलब चेंज है। तो आज का टॉपिक है टॉप 5 रीजन टू बाय ड्यूक 390। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं इस बाइक के बारे में। अगर फ्रंट से इस बाइक को देखोगे तो मतलब बीस्ट जैसा लुक आपको देखने में आएगा। और बात कर ले अगर ओल्ड वाला ड्यूक 390 तो मतलब उस बाइक से पूरा डिफरेंट ये बाइक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इसका फेयरिंग हो गया या इसका डिस्क हो गया या फिर इसका एग्जॉस्ट हो गया, मतलब कि पूरा बाइक जो है पूरा बाइक चेंज है। इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट की बारे में बात करें तो एग्जॉस्ट नोट पूरा फुल बेसी साउंड है और इस बाइक का हम लोग आगे एग्जॉस्ट नोट भी सुनेंगे कि इस बाइक का कैसा साउंड आता है। तो पहला रीजन आपका ये हो सकता है इस बाइक को लेने का कि इस बाइक में बहुत ज्यादा बटन दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर नीचे, उसके बाद में नीचे हॉर्न का लेफ्ट राइट इंडिकेटर, उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको पास लाइट भी दिया जाता है, उसके बाद में हजार्ड का बटन भी दिया जाता है वो भी लेफ्ट हैंड में। और राइट हैंड के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे आपको इंजन कील स्विच मिलता है, उसके बाद में यहाँ पे आपको सेल्फ मिलता है और राइट साइड बटन में आपको सिर्फ दो ही बटन देखने को मिलता है। तो ये अगर हम लोग इसको इग्निशन ऑन करते हैं तो उसके बाद में सारे बटन में लाइट जो है पूरा ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद में बटन कुछ ऐसा दिखता है और आप लोग को ये बटन कैसा लगा कमेंट में करके बताओ। फ्रंट शॉकर की बात कर ले तो WP Apex USD फोर्क आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको WP Apex का लोगो भी देखने को मिलता है। अगर आप लोग इस बाइक के साथ में सिंगल राइड करो या फिर पिलियन के साथ में राइड कर रहे हो या फिर आप लोग ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आप लोग फ्रंट वाले शॉकर को आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग को स्मूथ चाहिए तो स्मूथ भी कर सकते हो या फिर हार्ड चाहिए तो आप लोग हार्ड भी कर सकते हो। तो आप लोग का ये बाइक खरीदने का सेकेंड रीजन ये USD फोर्क हो सकता है। आप लोग का थर्ड रीजन ये भी हो सकता है ये बाइक को खरीदने का कि इस बाइक का हेडलाइट जो पहले से बहुत ज्यादा चेंज कर दिया गया है, एग्रेसिव बना दिया गया है इस बाइक को। तो पहले देख सकते हो कुछ हेडलाइट इस तरह का देखने को आता था पहले, लेकिन अब जो है पूरा फुल चेंज कर दिया है। LED DRLs इस बाइक में डाल दिया गया है जो कि पहले भी आता था। स्पोर्टी लुक के साथ में इस बाइक को ट्रांसफार्मर जैसा कुछ टचअप भी दिया गया है। और जैसा कि देख सकते हो इस बाइक को मैं ऑन किया तो ऑन करने के बाद में LED DRLs कुछ इस तरह का देखने को आता है। और पास लाइट के बारे में बात तो पास लाइट अगर मैं मारता हूं तो इसका पूरा फुल LED सेटअप जो पूरा ऑन हो जाता है। और आप लोग को इस बाइक का हेडलाइट कैसा लगा कमेंट में करके बता सकते हो। बाकी हम लोग मीटर के बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं टेल लाइट कुछ यूनिक कुछ अलग बनाने का कोशिश किया गया है इस बार। और इस बाइक का सबसे बड़ा अपडेट की बारे में बात करें तो सबसे बड़ा अपडेट है इस बाइक का मीटर जो कि पूरा टैब जैसा दिया गया है। और इस बाइक में जो जो फीचर है इस टैब के थ्रू ही आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, मतलब इस बटन के थ्रू। तो जैसा कि देख सकते हो इस बाइक का मैं होम बटन में ओपन किया तो जैसा कि देख सकते हो बाइक इन्फॉर्मेशन, ट्रिप इन्फॉर्मेशन, उसके बाद में स्पीड कंट्रोल, उसके बाद में सेटिंग, तो बहुत सारा मतलब इसमें आपको फीचर देखने को मिल सकता है। फीचर बोल सकते हो या फिर कंट्रोल इस बाइक का बोल सकते हो। तो जो भी कंट्रोल इस बाइक को आप लोग आराम से यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। इस बाइक में आपको फ्री राइडिंग मोड देखने को मिलता है, जैसा कि देख सकते हो रेन मोड हो गया, उसके बाद में ट्रैक मोड हो गया, उसके बाद में स्ट्रीट मोड हो गया। तो थ्री राइडिंग मोड इस बाइक में आपको देखने को मिलता है, उसके बाद में ABS हो गया, इसके बाद में STC, मतलब ले देखे बहुत सारा इस बाइक में आप फीचर मिलता है। मीटर के ऊपर में देखेंगे तो मीटर के ऊपर में आपको न्यूट्रल का इंडिकेटर मिलता है, बाकी अपना टाइमिंग यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद में RPM लिमिटर हो गया, उसके बाद में स्पीडोमीटर हो गया, उसके बाद में फिर कौन सा मोड पे बाइक आपका चला वो हो गया, बैटरी का वोल्टेज हो गया, उसके बाद में स्पीड हो गया, उसके बाद में ट्रिप हो गया। तो ये सब फीचर आपको इस मीटर में आपको देखने को मिलता है। टैंक का लॉक जो है सभी बाइकों से अलग बनाने का पूरा कोशिश किया गया है। और यहाँ पे ड्यूक 390 का लोगो यूज है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब इसको दोनों तरफ से पूरा एरोडायनेमिक बनाने का पूरा कोशिश किया गया है। बाकी आप लोग को ये बाइक का फ्रंट का लुक कैसा लगा कमेंट में करके बताओ। तो पांचवा रीजन आपका इस बाइक को लेने का ये हो सकता है कि इसमें आपको मिलता है साइड शॉक अब्जॉर्बर जो कि एडजस्टेबल है और इसमें आपको मिलता है WPFX का रियर शॉक अब्जॉर्बर। इस बार KTM ने अपने कस्टमर के साथ में माइंड गेम खेला है कि जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें आपको साइड शॉक अब्जॉर्बर दिया गया है, तो इससे कस्टमर जो है अट्रैक्ट हो और इस बाइक को ले। ये शॉकर का एडवांटेज भी, लेकिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस बाइक का स्विंग आर्म, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कुछ अलग तरह का बनाने का पूरा कोशिश किया है। हालांकि मतलब ड्यूक 390 या 250 में ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्विंग आर्म यूज किया था, लेकिन इस बार जो है मतलब साइज को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। राइट साइड में हमारा रियर शॉक अब्जॉर्बर है, बाकी अपने लेफ्ट साइड का पूरा सेक्शन खाली है। तो आप लोग को ये वाला ड्यूक 390 कैसा लगा कमेंट में करके बताओ, बाकी आगे भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक खत्म होता है टॉप 5 रीजन टू बाय ड्यूक 390। लेकिन अभी तक तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मतलब समझ लो कि आपको ये बाइक लेना है, चाहे आज लो या फिर कल लो। तो चलो हम लोग टॉपिक पे वापस लौटते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो फ्रंट का डिस्क अपना है, तो फ्रंट का डिस्क का साइज क्या है मैं आपको बताऊँ, 320 mm का अपना मिलता है, बाकी अपना ABS रिंग हो गया और बाइब्रा का ब्रेकिंग सिस्टम अपना देखने को मिलता है। रियर डिस्क के बारे में बात करें तो 240 mm का आपको रियर का डिस्क आपको देखने को मिलता है, बाकी अपना डुअल चैनल ABS के साथ
साथ में ये बाइक आता है और 390 सीसी का बाइक है, तो इसमें आपको ब्रेकिंग आपको मस्त खोजता है। तो ब्रेकिंग अपना देख सकते हो, वहीं अपना ब्राइब्रा का ब्रेकिंग देखने को मिलता है। टैंक के जस्ट नीचे यहाँ पे कूलेंट डालने का ऑप्शन मिलता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो LC4C, इसका मतलब भी अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे को कमेंट में करके बता सकते हो। बाकी 398 सीसी का इसके अंदर आपको इंजन देखने को मिलता है। मैक्स पावर है अपना 45.3 BHP, मैक्स टॉर्क है अपना 39 Nm। तो सबसे लास्ट में आप लोग ये देख सकते हो टेल टायडी, तो टेल टायडी टोटली चेंज है, KTM ने आज तक कभी भी ऐसा टेल टायडी नहीं दिया है। ये है अपना ग्रेप बार रील, तो ये ग्रेप बार रील आप लोग को देख के कौन सा मूवी का आपको सीन याद आ रहा आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो। बाकी देख सकते हो ये अपना कुछ सीट है, सीट कंफर्ट मतलब अपना बोले तो A1 है। तो गाइस आज का वीडियो कुछ ऐसा था, तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में करके बता सकते हो। बाकी आप लोग को ड्यूक 390 कैसा लगा, 2024 में ड्यूक 390 लेना वर्थ है कि नहीं आप लोग कमेंट में करके बता सकते हो। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और जाते जाते आप लोग लास्ट काम कर लो, मतलब इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट जरूर से जरूर सुनना।